कबाब इसके लिए हमने चिकन को बॉईल कर लिया स्पाइस डाल के। अब हम इसमें हरी मिर्ची और हरा धनिया डाल के इसको पीस लेंगे, उसके बाद में अपनी टिक्किया बना लेंगे। आप चाहे तो इसमें ब्रेड क्रम भी डाल सकते हैं, चाहे तो ब्रेड तोड़ के वैसे भी डाल सकते हैं, और इसके अंदर आप एक भी डाल सकते हैं पसंद आए तो, क्योंकि एक डालने से बाइंडिंग अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छी तरह से हो जाता है, टिक्किया बन जाती है, तो आप ज़रूर डालिएगा। मैं भी इसके अंदर आधा एक डालूँगी, जो कि नीला पार्ट डालूँगी बस इसके अंदर। मैं हमने पीस लिया और मिला लिया है, सब सारा मसाला मिला हुआ था, बस इसमें थोड़ा सा हमने ब्रेड क्रम डाला है ताकि ये अच्छे से मिल जाए। अंडा भी डाल दिया है हमने, इसका सेब आप चाय जैसे बनाइए, आप फ्राई कर सकते हैं। तरह से सीख बन जाएगी हमारी, सीख कबाब बिल्कुल फ्राई हो जाएंगे अच्छे से, गोल्डन ब्राउन होने तक आप फ्राई करें इनको मीडियम आंच पे। देखिए अच्छे से हो रहे हैं, आसानी से बन जाते हैं, आप भी बनाइए, खाइए, खिलाइए। चलिए हम पूरे आपको बना के फिर बताते हैं। देखिए और लहसुन की हम सिंपल सी चटनी बना देते हैं कबाबों के लिए। हमने इसको काट के धो लिया है और अब हम इसको पीस लेते हैं। आधा चम्मच लहसुन डाल दिया है और आधा कप पानी डाल दिया है, आधे कप से कम पानी डाला है ताकि अच्छे से पीस जाए ये। चलिए पीस लेते हैं इसको। बोल में निकाल लेते हैं और इसमें नमक, चाट मसाला, एक नींबू डाल देंगे। और बन गए हैं, चटनी भी रेडी है। चलिए तो नोट फरमाइए अफ्तारी में। अल्लाह हाफिज़।